जंतर मंतर से यहाँ पे ये रेलवे के सारे स्टूडेंट्स एयरपोर्ट टेक्नीशियन के वेटिंग लिस्ट के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो चलिए आइए एक बार जानते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है और इन सभी स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि ये इसलिए किस लिए यहाँ। मेरा नाम गोलक विश्वास है, मैं आरआरबी मालदा से आया हूँ। एक्चुअली मैं मेरा आरआरबी नहीं, जो इंडिया का टोटल 21 आरआरबी है सबके मतलब बारे में ही बोल रहा हूँ कि हम लोगों का जो 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी निकाला गया था उसमें तीन एग्ज़ाम हुआ था हमारा, CBT 1, CBT 2, CBT 3 एंड उसके बाद DB मेडिकल हुआ था। तो हम लोगों ने तीनों स्टेज एंड DB उसके बाद मेडिकल सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद आरआरबी क्या किया, हम लोगों को स्टैंड बाई में डाल दिया और जो मेन लिस्ट में है, मेन लिस्ट के साथ हमारा जब इतना ही डिफरेंस है कि हम 0.1 से 0.2 से कोई एक नंबर से पीछे रह गए। बट वो लोग भी जो तीन स्टेज के एग्जाम क्लियर किया उसके बाद DB हुआ मेडिकल का, हम लोग भी उतना ही किया, ठीक है। तो उसके बाद भी हम स्टैंड बाई में रह गए। और सबसे मेन बात जो है, हम अभी मेडिकल होने के बाद रेलवे में क्या होता है, इसके पहले कभी स्टैंड बाई को मेडिकल नहीं कराया जाता था एंड इस बार मेडिकल करा लिया गया। तो हम समझ में बहुत मतलब प्रेशर में हो कि भाई घर से बाहर निकलता हो तुम्हारा मेडिकल हो गया, तुम्हारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ, क्या हो गया, झूठ तो नहीं बोल दिया था हम लोगों का। तो अभी समझ में बहुत मतलब हम लोगों को मतलब शर्म की बात हो गया कि भाई निकल नहीं पा रहा हो। उसके बाद क्या है, रेलवे का जो आप मेडिकल रूल्स है उसको आप देखोगे तो उसमें मेडिकल रूल्स में ही बोला गया है कि अगर आपका ज्वाइनिंग ट्रेनिंग अगर है तो ट्रेनिंग के पहले आपको मेडिकल कराया जाएगा और जिसका ट्रेनिंग नहीं होता है, जो जिसका डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग के पहले मेडिकल कराया जाएगा। तो रेलवे हम लोगों का मेडिकल करा लिया तो अभी क्यों नहीं हम लोगों को ट्रेनिंग भेज रहा है, ये हमारा रेलवे के पास डिमांड है कि हम लोग सबका जो स्टैंड बाई में है सबको ज्वाइनिंग दे, जिसका मेडिकल फिट है सबको ज्वाइनिंग दे। हम सब गरीब परिवार से बिलोंग्स करते, ये हमारा रेलवे मिनिस्ट्री के पास निवेदन है। ठीक है, ठीक। जो भी भैया ने अभी कुछ बोला हुआ बिल्कुल राइट बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेलवे के पास वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है, लेकिन जब डिविजनल ऑफिसर DPO CPO के पास जाते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि आप दिल्ली जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ऑर्डर लेके आओ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जाने के लिए बोला जाता है। आप बताइए क्या मेरा कहना एक ही बात है कि कुछ तो करो सरकार, घर से निकलना हुआ दो बार लोग पूछते हैं ज्वाइनिंग कब होगी, मेडिकल हो गया है यही पूछते हैं बार बार। एक ही निवेदन है कि हम लोग जितना मेडिकल फिट है उसको जॉब दिया जाए। कब भर्ती आई थी ये? भर्ती 18 में आई थी। और आपका मेडिकल कब कराया गया था? सातवां महीना 2019 में कराया गया है। मेडिकली फिट है आप? मेडिकली फिट है, वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस क्लियर है, सब कुछ हो गया है, केवल स्टैंड बाय में दे दिया गया है, बस ज्वाइनिंग रोक रखा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। आप बताइए। मेरा नाम आनंदी लाल मीणा है, मैं RRB जम्मू बोर्ड से हूँ और मैं फिरोजपुर बोर्ड पे भी गया हूँ, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। CPO से मिले तो उन्होंने बोला कि आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको दिल्ली बोर्ड पर जाना होगा और वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी हम आपकी वेटिंग को कल क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए पीयूष गोयल जी मंत्री, रेलवे मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि हमारी वेटिंग को जल्द से जल्द क्लियर करें और चेयरमैन सर से भी यही निवेदन है कि हमारी वेटिंग को क्लियर करें जल्द से जल्द ताकि हमारे को जीना थोड़ा सा आराम से हो जाए। मैं विक्रम सिंह बिहार से आया हूँ RRB मुंबई के थ्रू। अब मार्च 2018 में वैकेंसी का नोटिफिकेशन लाते हैं, फॉर्म फिलअप करवाते हैं, फिर अगस्त 2018 में CBT 1 लेते हैं, फिर जनवरी 2019 में CBT 2 लेते हैं, उसका साइको आप मई 2019 में लेते हैं, फिर उसका मेडिकल अगस्त 2019 में होता है। ये सारा प्रक्रिया होने के बाद भी आज हम लोग पता नहीं कितना दिन और लगेगा स्टैंड बाय को क्लियर करने में। आपका जो मुंबई का जनवरी 2021 में आता है RTI में, उसमें आप बताते हैं कि 14 वैकेंसी अभी खाली है जो कि नन टर्न ऑफ गया, नहीं आया कैंडिडेट वो। फिर जब मार्च में उसी का RTI में रिप्लाई आता है, आप बोलते हैं कि कोई भी रिप्लेसमेंट का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई सीट ही वैकेंट नहीं है। पैनल में जो नाम आया है और जो सीट है, टोटल सीट 5700 समथिंग है, पैनल 5100 समथिंग का दिया गया है और जो PCMDW डॉक्टर के लिए जो अप्लाई कैंडिडेट है 224 है। इसके अनुसार भी अगर देखा जाए तो 600 प्लस कैंडिडेट खाली है और अगर जो मेडिकली अनफिट है उनको अगर छोड़ दिया जाए लैप्स, वो बाद में अगर फिट आते हैं फिर भी इनका 450 प्लस सीट है, वो सीट कहाँ गया हमारा? आप लिखित रूप में संसद भवन में खुद दे रहे हैं राज्यसभा में डॉक्टर शांतनु कुमार के नाम पे
कि हाँ हमारे रेलवे में इतना इतना सीट खाली है, तो वो सीट कहाँ गया, क्यों नहीं हम लोग को डाइवर्जन पैनल या इंडियन पैनल या स्टैंड बाय लिस्ट को क्लियर क्यों नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इन सभी स्टूडेंट्स की मांग ऐसी है कि रेलवे में पद बहुत सारे खाली पड़े हैं और उसके बावजूद इनको जॉब नहीं दिया जा रहा, जबकि ये सारा प्रोसेस, ये अपने सारे एग्जाम जो भी रेलवे ने कराए थे वो सब पास करके बैठे हैं, उसके बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिला। चलिए एक और कैंडिडेट से बात करते हैं, नाम बताइए और बताइए। मैं आरआरबी सिकंदराबाद से स्टैंड बाई कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन CN01/2018, उसमें साफ साफ रूल ये है स्टैंड बाई के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन में भी रूल है और सर्कुलर जो जारी हुआ था 2009 में वो भी यही बताता है कि स्टैंड बाई का मतलब हमारा यही है कि जो कैंडिडेट्स मेन पैनल में शॉर्टफॉल होता है उसके रिगार्डिंग और जो इंडेंट आता है उस पर क्लियर करा जाए, लेकिन ये रूल सारे बोर्ड नहीं मान रहे हैं, कुछ बोर्ड चेन्नई त्रिवेंद्रम ये क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अजमेर कब का बंद, वहाँ पे ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, मेन पैनल ऑपरेट हो चुका है पर वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। सिकंदराबाद में CPO ने साफ मना कर दिया है कि हम एबसेंट पे नहीं देंगे, उसको हम 300 एक्सेस हो गए हैं हमारे पास। ऐसे ही बिलासपुर में भी हर एक बोर्ड में ये दिक्कत हो रही है। अब जब सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन था तो हर जगह रूल सेम फॉलो होना चाहिए, लेकिन कुछ बोर्ड में रूल सही फॉलो हो रहा है और कुछ बोर्ड अपनी मनमानी करके वॉयलेट कर रहे हैं। इस पे एक्शन जो हम सितंबर में RRCB आए थे, रेलवे भवन गए थे, वहाँ पे हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात हुई थी, उन सर ने ये बोला था कि आपका जो भी स्टैंड बाई का इशू है वो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से होगा जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जब हम वहाँ गए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर ने साफ साफ बोला था अगर कोई रूल वॉयलेट करता है तो आप लोग हमारे पास आना, हम आपकी बात सुनेंगे। अब जब हम यहाँ आए हैं कई बोर्डों में रूल वॉयलेट हो रहे हैं, जो स्टैंड बाई को क्लियर नहीं कर रहे, फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप अपना रिसीविंग मेमोरेंडम दे दो, रिसीविंग ले जाओ, हम आपका कुछ एक्शन लेंगे। हम कब तक ऐसा करते रहें, 2018 की वैकेंसी है, 3 साल ऊपर हो गया, मेन पैनल इनके ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं पे जहां ऑपरेट हो गए हैं वहां ये रिप्लेसमेंट पैनल नहीं दे रहे हैं, इंडेंट नहीं दे रहे हैं, कई RTI में आया है कि इंडेंट बहुत है, वैकेंसी बहुत है, लेकिन वो इंडेंट दे नहीं रहे हैं स्टैंड बाई को, तो क्या करना चाहते हैं, दोबारा नोटिफिकेशन निकालना चाहते हैं, बच्चों से दोबारा पैसा लेना चाहते हैं, और फिर उसके बाद टाइम और मनी खर्च करने के बाद दोबारा वही स्थिति होगी जो हमारी है, तो फिर फायदा क्या है? सरकार फिर फायदा खर्चा जो कर रही है, फिर स्टैंड बाई का लिया क्यों, स्टैंड बाई का मतलब क्या है? ठीक है, इन सभी स्टूडेंट्स की काफी परेशानी है, इनके साथ ये पैरा मेडिकल के भी स्टूडेंट्स कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे एक बार बात करते हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम है? जी हम लोग पैरा मेडिकल कैंडिडेट के हैं, जो हम लोग यहाँ पे आज 22 मार्च है, 4 लोग गए थे, 2 टेक्नीशियन का, 1 LP का और मैं गया था पैरा मेडिकल का, जबकि RRB कोलकाता से मैं आया हूँ, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में कुल 13 कैंडिडेट हैं और पैरा मेडिकल में जैसे नर्स स्टाफ को पैरा मेडिकल को ज्वाइनिंग दे दिए हैं और अभी तक हम लोगों को नहीं दिए हैं। अब इसी तरह ये रिसीविंग में मोहर मार करके रिसीविंग दे देते हैं, बार बार हम लोग आएंगे तो इतना पैसा इतना समय सबके पास नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को जितने वेटिंग लिस्ट हैं कैंडिडेट का, चाहे LP टेक्नीशियन हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे पैरा मेडिकल हो, उनको मेडिकल फिट हो गया है, उनको ज्वाइनिंग देने की कृपया करें, हम यही चाहते हैं। ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स ये कुछ रिसीविंग भी दिखा रहे हैं, देखिए इनका पेपर है, ये इन्होंने 28 सितंबर 2020 को, ये पहले भी एक बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आ चुके हैं और ये इन्होंने दिया है, और आज फिर जब ये आए तो ये दोबारा भी इनको 22 मार्च 2021 वही सेम रिसीविंग दे दिया गया और बोला गया कि इनसे बात करने की कोशिश की जाएगी विद इन 1 मंथ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये आश्वासन दिया गया और ये पहले भी बोला गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन स्टूडेंट्स का मांग है कि जल्द से जल्द इन सभी स्टूडेंट्स की वेटिंग क्लियर की जाए, ये सभी स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, इन सभी स्टूडेंट्स का कहना CBT 1, CBT 2, साइको, मेडिकल, DB सब प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं और ये चाहते हैं कि इन सभी को ज्वाइनिंग लेटर दे के और रेलवे में सेवा का मौका दिया जाए। तो आप ये देख लीजिए ये कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे भारी संख्या में अपने बैनर पोस्टर लेके यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। इन सभी का यही डिमांड है कि रेलवे ने इनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनाया, इतनी सारी चीज़ें सारे प्रोसेस सब इन्होंने पार किया और उसके बाद ये सभी ज्वाइनिंग लेटर ना मिलने की वजह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। चलिए आइए एक और स्टूडेंट से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं?
जी मेरा नाम इंद्रित शाह है, मैं आरआरबी भुवनेश्वर से हूँ। मैं सभी पूरा 21 आरआरबी के लिए ही बोलना चाहता हूँ, जैसे सभी मेरे भाई ने बोले सभी लोगों की बहुत सारे वैकेंसी है रेलवे में, लेकिन मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने आरटीआई लगाया था, एक डिवीजन नहीं दो डिवीजन में भुवनेश्वर के अंदर आता है, संबलपुर और खुर्दा। दिखाए थे, देखिए 699 वैकेंसी है एक डिवीजन में संबलपुर में, और उसके बाद खुर्दा डिवीजन में ठीक है 1562 वैकेंसी है, जिनमें से 435 वैकेंसी एलोटेड भी है। ठीक है, अब देखिए अगर चाहे तो पूरा इंडिया में आप सोचिए कितने डिवीजन है, कितने वैकेंसी रहेगा। मेरे पास प्रूफ भी है, तो सभी लोग मेरे रेलवे सर से मेरे निवेदन यही है कि पहले आप ये वैकेंसी से जितने वेटिंग है, ये बहुत वेटिंग से भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपके पास है, तो आप क्यों नहीं क्लियर करवा सके। एक एक आप चाहे तो एक ईयर तो छोड़ दीजिए, 6 महीने के अंदर पूरा के पूरा स्टैंड बाई भी लिस्ट आप क्लियर कर सकते हो पूरा इंडिया का। तो मेरे निवेदन यही से, हमारे निवेदन यही से आपसे कि आप ये स्टैंड बाई क्लियर करिए, जो भी मेडिकल फिट है सभी बोर्ड का प्लीज़ क्लियर कीजिए।